और बड़वानी में कांग्रेस को लगा है झटका। वीरेंद्र सिंह दरबार समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा ने दिलाई सदस्यता। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं। तो एक के बाद एक झटका कांग्रेस को लग रहा है, लगातार विधानसभा चुनाव के बाद और आम चुनाव से पहले। छिंदवाड़ा के कई नौजवानों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है और बड़वानी जिले के जो कई सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वहां के पूर्व विधायक हमारे दरबार और वीरेंद्र सिंह जी दरबार जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 15 साल से अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और विधायक रहे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अपने सभी साथियों के साथ की है हजारों की संख्या में। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत उन्हें बधाई। वो हमारे परिवार में सम्मिलित हुए, बहुत अच्छे से मिलकर के काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। नर्मदापुरम के कांग्रेस के कई पदाधिकारियों के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। युवा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हर्षित गुरु बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा प्रदेश सह सचिव राजेश रघुवंशी और आयुषी पांडे ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। वहीं छिंदवाड़ा और बड़वानी में भी कांग्रेस को झटका लगा है। बड़वानी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे वीरेंद्र सिंह दरबार ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके साथ समर्थकों ने भी बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ने एमपी में घोषित कर दिए हैं राज्यसभा उम्मीदवार। 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। डॉक्टर एल मुरुगन और उमेश नाथ महाराज प्रत्याशी, बंशीलाल गुर्जर और माया नरोलिया उम्मीदवार। 2 एससी वर्ग से हैं, 2 ओबीसी वर्ग से हैं। मालवा से भी 2 उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अशोक सिंह होंगे कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार। 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 4 बार हारे हैं। दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं अशोक सिंह और मध्य प्रदेश से राज्यसभा नहीं जा रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ के भी इससे पहले मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा जाने की चर्चाएं थी, लेकिन अब दिग्विजय सिंह के करीबी अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो 4 बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं के तौर पर अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, कितना बड़ा कदम सरकार आप मानते हैं पार्टी का कि आपको एक बार फिर भरोसा जताया है? हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी और मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया है। मैं प्रयास करूँगा कि कार्यकर्ताओं के उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करें। ग्वालियर चंबल संभाग से जो दिग्गज आते हैं उनको टक्कर देने के लिए अब आपको मैदान में उतारा है, क्या लगता है? देखिए, बात ये हमारी कांग्रेस की नीतियाँ, उस पर हम काम करते हैं और उस पर काम वो सभी लोगों को साथ लेकर चलने की जो हमारी रीति नीति है उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसी तरह काम करें। लेकिन क्या मानते हैं?